हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। मैं आया हुआ हूँ कैंची धाम मंदिर, मेरे पीछे है, यू गाइस कैन सी। तो कल लास्ट डे है 2021 का, नए साल की शुरुआत करने के लिए मैं आया हुआ हूँ बाबा जी के आशीर्वाद लेने के लिए। नीम करौली बाबा जी का मंदिर है। आज सुबह 7 बजे निकले थे हम हल्द्वानी से, और आई थिंक एक घंटा, पता नहीं आधा घंटा लगा शायद हमको पहुंचने में। तो इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा में मेरी दादी का घर है, मेरा जो बेसिकली हमारा गांव वहीं पर है, तो वहां जाने वाले हैं। एक वो दूसरे इस टाइप के गेट वाला टाइप के आता है ना, कॉफी उस टाइप का, मुझे पता भी नहीं होने तो मैं जाता हूँ। ये तो ये दिन भर आने वाला नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चे आते हैं वो अपना मन में कोई खोल कर जाता है, पानी वेट हो जाता है, पानी अच्छा पानी तो बता। तो हम लोग अल्मोड़ा से आ चुके हैं नैनीताल। पिछली क्लिप्स में आपने देखा होगा एक टेंपल, वो हमारी कुलदेवी का मंदिर है जो नारसिंगी माता है, और जो टूटा हुआ मकान आप लोगों ने देखा, एक्चुअली मेरी दादी का घर हुआ करता था पहले। 2017 में अर्थक्वेक आया था उत्तराखंड में,
तो जो दादी का मकान हुआ करता था बेसिकली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था उस टाइम। तो अभी हम जब भी मतलब साल में जाते हैं वहाँ पे, हम पूजा करने के लिए जाते हैं कुल देवी की, वहाँ पे रुक नहीं पाते क्योंकि अब वहाँ पे कोई जगह है नहीं रुकने के लिए। तो इसलिए घर वाले वापस चले गए हैं हल्द्वानी, और मैं, मेरी मौसी आए हुए हैं यहाँ पे नैनीताल, और मेरे कज़न आए हुए हैं वैभव मेरे साथ हैं। वैभव हाय बोल दे, मास्क उतार भाई, मास्क उतार। और संजय है मेरी ताई जी का लड़का, उसका बर्थडे भी है तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। ये गाइस लाइक तो भाई हम लोग आ गए हैं बोर्डिंग करने के लिए। उतार लो मास्क यहाँ पे तो उतार लो। मौसी कैसा लग रहा है फिर? पहली बार कर रहे हो बोटिंग तुम? तो मौसी भाई पहली बार आई है हमारी, बोटिंग कर रही है पहली बार, पहली बार नैनीताल भी आई है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ठंडक का एहसास हो रहा है? हेलो बोलो। आज संजय दद्दा का बर्थडे भी है भाई, बर्थडे मना रहा संजय दद्दा हमारा। बैक कर रहे हैं ना? अच्छा, बैक कर रहे हैं। हाँ। अब ये पैडल आगे की तरफ मार, ये तो डायरेक्शन देने के लिए है। वैसे ये डायरेक्शन मैंने इधर का दे दिया। अरे हैं, रिज्जा मैं भी करता हूं। हाँ, दोनों करना पड़ेगा। जैकेट बहुत बढ़िया यार। तो पहले हमने ली नॉर्मल बोट, उसमें मजा नहीं आया, तो अब हमने ले लिया पैडल वाली बोट। तो भाई ये है सीन, यहाँ से डायरेक्शन देना है और पैडल मारना है, और सेम रेट है। 160 लिए थे उसमें भी, 160 हम इसमें भी दे रहे हैं। बस फर्क इतना है कि ये हम एक घंटे तक चला सकते हैं इस बोट को, तो ये क्रेजी है भाई। और गाइज उत्तराखंड में करीब 49 लेक्स हैं टोटल, और नैनीताल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक। ये टोटल 140 एकड़ में फैली हुई है लेक, और सबसे बड़ी लेक आई थिंक, पता नहीं भीमताल वाली है, भीमताल है या फिर शायद नौकुचिया ताल है, कंफर्म नहीं है। गूगल में तो लिखा है कि भाई भीमताल है, और यहाँ पे जो बोट्स जो रेंट कर रहे हैं वो बोलते हैं कि नौकुचिया ताल है सबसे बड़ी लेक उत्तराखंड की। पैडल मार मार के थक गया भाई मैं तो। अभी टकराने वाले थे हम, भाई ने आवाज मार के बताया। वो जा रहे संजोर, आगे तक गए लोग, हिंदी वाले पहुंच पाएंगे वहां तक? पहुंच जाएंगे आगे। देखते हैं अगर हम बोट से पूरे लास्ट तक जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। हमने उस एंड से शुरू करा है, पीछे शुरू करा हम लोगों ने, वहाँ से शुरू करा है, और अब देखना है कि हम कहाँ तक जा पाते हैं।
एक घंटे के लिए बोट ले तो ली हमने, बड़े घंटा हम चला नहीं पाएंगे। मैं तो अभी से थक रहा हूँ भाई, वापस कैसे आएंगे भाई, नहीं आ पाएंगे वापस। अगर हम वहाँ पहुँच भी गए, ऐसा करते हैं वहाँ तक चलते हैं, वो जो क्या नाम है मंदिर है ना, मंदिर तक जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। हम नकली बतक में बैठे हैं और हमें असली बतक मिल गई। कितनी सारी हैं आप? अच्छा ये गोल जुटता है। तो गाइस बोटिंग करके तो यार मजा आ गया, अब हम जा रहे हैं तिब्बत मार्केट, उस तरह कहीं पर है, और शायद नानी नाना देवी का मंदिर भी है वहां पर। टाइम से निकल लेना। तो गाइस ये एक तिब्बत मार्केट, और हम जा रहे हैं कहाँ, मोमोज खाने। हाँ हम जा रहे हैं मोमोज खाने, पंजाबी तड़का में। पंजाबी तड़का अच्छा, यहाँ पे भी पंजाबी तड़का, यहाँ पे भी पंजाबी तड़का है। क्या बनाया, क्या बनाया चाचू को दिखाओ, चाचू क्या है ये? अच्छा क्या करो, शुरू करो, गरम गरम हो रहे हैं थोड़े। यहाँ दो कहाँ आओ बैठो, क्या पकड़ोगे मोमोज? तो भाई बढ़िया है, अरमानी से बेटर लगे। तो भाई हल्का फुल्का मोमोज वगैरह खा लिए हैं, बहुत ही टेस्टी मोमोज थे, पंजाबी तड़का जगह का नाम था। और अब बस निकल रहे हैं यहाँ से हम, एक तो हम आए हैं बस में, और मेरे ख्याल 8:30 बजे तक बस चलती हैं, उसके बाद बस भी नहीं मिलेगी हमको। यहाँ से हमने जाना है हल्द्वानी, और एक दो दिन बाद हम वापस चले जाएँगे हरियाणा। तो यही था यार न्यू ईयर का, बाकी संजू का बर्थडे है तो रात को थोड़ा पार्टी वगैरह होगी हल्की फुल्की, और तो कुछ नहीं है। तो गाइज़ व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए, आई होप 2022 सबका बहुत बढ़िया जाए। पीछे चल रहा है मैच, तो ये है अपनी नैनीताल की छोटी सी ट्रिप। सी यू गाइस।